अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तले हुए गोश्त की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मटन या बीफ, आप दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो। इसे हम इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे, फिर इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। ऐड कर लेंगे नमक, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड कर लेंगे हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट किया हुआ गोश्त को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे एक गिलास पानी और इसके लिड लगा देंगे और 5 से 6 विजल्स ले लेंगे। 5 से 6 विजल आ चुकी है, तो चलिए इसका हम लिड हटा देंगे और जो इसके अंदर बचा हुआ पानी है उसे हम कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए एक पैन, उसमें ऐड कर देंगे ऑयल, फिर हम सारे मटन को इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये कड़क ना हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स और हरी मिर्च और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इसे भी हम गोश्त में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो चलिए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रेसिपी बनकर तैयार है, तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।